हेलो एवरीवन, आई एम सुशील केसरी सीनियर फिजिक फैकल्टी विद्यामंदिर क्लासेस एच एल कोरवा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर लाइट दिस इज ए न्यू चैप्टर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट प्रोपोगशन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ लइट सो वाट इज़ द लाइट सो द लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस इन सीइंग द ऑब्जेक्ट्स बाई इट्स प्रजेंस तो ये एक एनर्जी है एक प्रकार की ऑप्टिकल एनर्जी है जिसकी हेल्प से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है द ऑब्जेक्ट्स विच इट्स सेल्फ एमिट लाइट आर कॉल्ड एज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल लाइक सन लाइक इलेक्ट्रिक लैम्प लाइक ऑयल लैम्प इट मे बी नेचुरल और मैन मेड सो सन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रिक लैम्प ऑयल लैम्प इज द मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट द लाइट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उनको बोलेंगे जिनकी खुद की लाइट नहीं होती वो खुद की लाइट एमिट नहीं करते हाउ यू आर सच ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन दैम तो जब इन ऑब्जेक्ट्स पे लाइट इंसीडेंट होती है तो ये विजिबल हो जाते हैं और ये एक लाइट एमिट करते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे इनको या नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे नेक्स्ट इज द लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है इसके बारे में अभी हम और भी डिस्कशन करेंगे द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर नेक्स्ट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल्स फ्राम वन मीडियम टू अनादर फ्रिक्वेंसी के बारे में कि फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट वेव रिमेन्स द सेम इन ऑल मीडियम तो किसी भी मीडियम में जो लाइट वेव की फ्रिक्वेंसी होगी वो हमेशा सेम होगी चाहे जिस भी मीडियम में हम कंसिडर करें लाइट गेट्स रिफ्फट्टेड बैक फ्राम पॉलिश सरफेस सच एस मिरर पॉलिश मेटलिक सरफेस एट्सेट्रा तो कोई भी पॉलिश सरफेस है तो उससे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है इस प्रॉपर्टी को हम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बोलते हैं हम इसके बारे में भी अभी डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट पॉइंट इज लाइट डज नॉट नीड ए मेटेरियल मीडियम टू ट्रेवल दैट इज इट कैन ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम टू तो लाइट को ट्रेवल होने ट्रेवल करने के लिए या मूव करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर मीडियम नहीं भी है तब भी लाइट ये ट्रेवल करेगी और ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा वैक्यूम में ही होती है इट इज थ्री इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड और अदर मीडियम में जो स्पीड होगी वो थ्री इंटू टेन टू द पावर एट एट मीटर पर सेकेंड से कुछ कम होगी तो सबसे ज़्यादा लाइट जो है लाइट की स्पीड वैक्यूम में होगी सो नेक्स्ट इज द प्रोपोगशन ऑफ लाइट सो लाइट प्रोपोगेट करती किसी भी मीडियम में तो लाइट ट्रेवल्स एलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन ए मीडियम और इन वैक्यूम तो किसी भी मीडियम में या वैक्यूम में अगर लाइट प्रोपोगेट कर रही है तो एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करेगी पाथ ऑफ द लाइट चेंजेस ओनली वेन देयर इज एन ऑब्जेक्ट इन इट्स पाथ और वे आर द मीडियम चेंजेस तो अगर को, अगर उसके मीडियम में उसके पाथ में कोई दूसरा मीडियम आ जाता है तो लाइट का जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा अदरवाइज इसका पाथ जो है चेंज नहीं होगा वी कॉल दिस प्रॉपर्टी एज ए रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट और स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट द स्पीड ऑफ लाइट इन 3 थ्री इंटू टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हमने शो की हुई है उसके बेसिस पे आप ये इस कंक्लूजन तक पहुँच सकते हैं कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है सपोज एक ये कैंडल है कैंडल जल रही है इसकी फ्लेम को ऑब्जर्व करना है एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है और एक डिफरेंट कार्डबोर्ड हमने ले लिया है और यहाँ पे जो कार्डबोर्ड में एक हमने होल किया हुआ है और होल का जो अलाइनमेंट है वो सेम है इज द अलाइनमेंट ऑफ द फ्लेम तो फ्लेम के अलाइनमेंट का सेम है जितनी हाइट पे ये फ्लेम है उतनी ही हाइट पर ये कार्डबोर्ड में होल किया गया है तो ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व करता है फ्लेम को तो ये थ्री कार्डबोर्ड्स हैं सिमिलर कार्डबोर्ड्स हैं और यहाँ पे सिमिलर होल किया गया है तो ऑब्जर्वर इस लाइट इस फ्लेम को ये ऑब्जर्व कर पा रहा है बट अगर हम यहाँ पे एक एक कार्डबोर्ड पे कोई भी होल ना करें तो क्या होगा ये ऑब्जर्वर इस फ्लेम को देख नहीं पाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट कर रही है तभी जो है वो उसको देख पा रहा है थ्रू होल्स और अगर एक किसी एक कार्डबोर्ड में होल अगर हमने हटा दिया या अलाइनमेंट डिफरेंट कर दिया तो ये ऑब्जर्वर जो है उसके फ्लेम को देख नहीं पाएगा एक और एक्टिविटी देखते हैं सपोज़ ये एक फ्लेम है और ये एक ऑब्जर्वर है ये एक पाइप के थ्रू इसको ऑब्ज़र्व कर रहा है तो अब यहाँ पे अगर ये पाइप बेंड है तो ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा इसकी फ्लेम को बट अगर ये पाइप स्ट्रेट है सपोज ये एक स्ट्रेट पाइप है तो ये इसको ऑब्ज़र्व कर लेगा तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करती है अब हमने यहाँ पे बेंड कर दिया इसको तो क्या हो गया कि लाइट यहाँ पे इसको या यहाँ तक तो पहुँच नहीं पाएगी और ये इसकी फ्लेम को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सो वाट इज द रिफ्लेक्शन वेन लाइट रेज आर इंसीडेंट ऑन एन ओपेक पॉलिश सरफेस। तो किसी ओपेक पॉलिश सरफेस में अगर लाइट रे इंसीडेंट हो रही है तो क्या होगा वो उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगा दे दिज आर रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम तो सेम मीडियम में वो बाउंस बैक हो जाएगा एंड दिस प्रॉपर्टी दिस फिनना ऑफ़ द रिटर्निंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो यहाँ पे एक पॉलिश सरफेस लिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल मिरर और ये एक इंसीडेंट लाइट इंसीडेंट हो रही है इस पॉलिश सरफेस पे और यहाँ पे इससे रिफ्लेक्ट हो जा रही है सेम मीडियम में तो so, ये इंसीडेंट लाइट हो ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई या रिफ्लेक्टेड रे हो, हो गया यहाँ पे शो किया गया है इंसीडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द प्लेन मिरर इट इज़ ए पॉलिश्ड सरफेस पॉलिश्ड पार्ट तो ये रिफ्लेक्शन है एंड लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्शन सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्शन फर्स्ट इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इज द इेगुलर और डिफ्यूस्ड रिफ्लेक्शन तो रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे अगर पैरल इंसीडेंट रे इंसिडेंट हो रही है इस पॉलिश्ड सरफेस पर और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो भी पैरल हैं तो हम इस टाइप के रिफ्लेक्शन को बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन दैट मीन्स इफ इंसिडेंट रे इज़ पैरल एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पॉलिश्ड सरफेस रिफ्लेक्टेड रेज इज़ पैरल टू इच अदर सो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ कॉल्ड एज द रेगुलर रिफ्लेक्शन तो अब ये अगर एकदम स्मूथली सरफेस है हंड्रेड परसेंट स्मूथ सरफेस है तो उस सरफेस में ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा दिस रिफ्लेक्शन फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे बाद में नेक्स्ट है इरेगुलर रिफ्लेक्शन अब अगर कोई सरफेस जिस सरफेस पे लाइट इंसीडेंट हो रही है वो स्मूथ नहीं है परफेक्टली स्मूथ नहीं है तो क्या होगा वो इरेगुलर शेप्ड है और लाइट अगर उस इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होगी तो जो अगर पैरेलल रे इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रेज होगी वो पैरेलल नहीं होगी जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है ये पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही है इस इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट पे तो ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है ये जा रही है इस तरीके से रिफ्लेक्टेड रे जा रही हैं तो सच टाइप ऑफ द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन सपोज ये वाल से लाइट आ रही है या ग्राउंड से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पे आ रही है तो ये जो ग्राउंड है या ये जो वाल है ये परफेक्टली स्मूथ नहीं होती वो थोड़ा बहुत इसमें इरेगुलरिटी होती है तो जो लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो रही है और फिर हमारे आँखों पर रिफ्लेक्टेड रे आ रही हैं तो वो जो वाल से या ग्राउंड से रिफ्लेक्टेड रे आ रही हैं वो चारों तरफ वो किसी भी डायरेक्शन में रैंडम डायरेक्शन में वो जा सकती है तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन सो दिस रिफ्लेक्शन आल्सो फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर ये जनरली डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही होता है जनरल केस में और इसी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से हम सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं टेबल है चेयर है वॉच है ग्राउंड है वॉल है क्योंकि ये सारे स्मूथ परफेक्टली स्मूथ नहीं है तो हम इस टाइप के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं इनरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नाउ कम टू द तो आज के लिए इतना ही है आई होप ऑल द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच